आप जानते हैं कठपुतली मूवी की टाइटल पहले क्या थी? मिशन सिंड्रेला, और बाद में रखा गया कठपुतली। एक किलर है जो टीनेजर लड़कियों की कत्ल करता है और एक कटी हुई सिंड्रेला डॉल लाश के पास रख देता है। वो चीज़ को बड़े ही गंभीर तरीके से लिए हैं मेकर्स और मूवी के नाम रखे हैं, और वहाँ पर उनका दिमाग ख़त्म हो जाता है, जो एक अच्छी खासी मूवी की छेड़खानी करने के लिए राजी हो जाते हैं। कसौली सीन वगैरह, बीजीएम, ये सब कुछ तो मस्त है, कुछ एक्स्ट्रा स्टोरी में नहीं जोड़े हैं, ये भी अच्छी बात है, लेकिन कॉमेडी और रोमांस कहाँ से आया यार मूवी में? ऐसी मूवी शुरू से लेके अंत तक डरावना, थ्रिलिंग और सीरियस लगनी चाहिए, लेकिन वो कॉमेडी और रोमांस के लिए वो फीलिंग्स मिसिंग लगता है। रत्सासन मूवी में किलर को ज़्यादा अहमियत दिया गया था, उसकी स्टोरी को ढंग से दिखाया गया था, उसके बाद उसकी फेस रिवील हुआ था। फेस रिवील होने के बाद भी कुछ सीन ऐसे होते थे जो बहुत ही ज़बरदस्त लगते थे, रोंगटे खड़ी कर देते थे। उसको पकड़ना, उसको मारना लगभग इम्पॉसिबल हो गया था। वहाँ पे जो लो लुअर होता है ना, वो बहुत ख़तरनाक लगता है, उम्मीद की किरण लगता है, लेकिन कठपुतली मूवी में वो सब कुछ मिसिंग है। अक्षय कुमार जो एक सस्पेंस लुक्स के साथ किलर को पहचानते हैं, जो लोग रत्सासन देखे हैं ना वो लोग खाली समझ पाएंगे, और जो लोग नहीं देखे हैं वो लोग बिल्कुल नहीं जान पाएंगे अक्षय कुमार की ये सरप्राइज़ वाले लुक का राज क्या है। और ये भी मैं ज़रूर कहूँगा कि स्टोरी इतना हल्का कर देते हैं क्लाइमेक्स में कि वो राज ना भी खुलता तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बस यूँ समझ लो जो मूवी की सबसे बेस्ट है आखिर में वो चीज़ ही अनफिट लगता है। ओवरऑल मूवी स्टार्टिंग से थोड़ा बहुत अच्छा लगता है, लेकिन मूवी की क्लाइमेक्स सब बर्बाद कर देता है। ये मेरी बहुत ही ऑनेस्ट रिव्यू थी भाई, अगर आप मुझसे सहमत हैं तो कमेंट करके ज़रूर बताइए।